हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था वाटर, वो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने उसके थ्योरी एज वेल एज उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे बेटा। एक तो हम स्टडी करेंगे द डिस्कवरी ऑफ एटम, जिसके पीछे सारी जो कहानी है वो स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। और दूसरा बेटा हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन, जो कि आपका सबसे पहला टॉपिक है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको वो सब बेसिक बताऊंगा कि कहां से इस सब चीजों की शुरुआत हुई है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे टू अंडरस्टैंड एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मतलब ये जानने की बहुत कोशिश हो रही थी कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्या है, मतलब जिनको आपस में मिलाकर एक्चुअली आपका मैटर बना है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वाज फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कनड इन 6th सेंचुरी बीसी ऑफ कोर्स इन आर इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिम ये कहा गया कि जो मैटर है ना बेटा वो एक्चुअली बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से बना जाता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। और उन्होंने उसका नाम रखा परमाणु, जिसमें जो परम है उसका नाम होता है अल्टीमेट, और जो अणु है उसका नाम उसका मतलब बेसिकली होता है बेटा पार्टिकल आपका। आज की डेट में आप उसी को एज ए एटम भी जानते हो। उनका यह कहना था कि जो परमाणु होते हैं ना वो कभी भी फ्री स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आपस में मिलकर बनता है अणु, जिसको आज की डेट में आप अच्छी तरह जानते हो एज अ मॉलिक्यूल। और आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उस टाइम की मतलब सोच देखोगे, उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ परमाणु हमारे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस, जिन्होंने एक्चुअली इसी परमाणु का नाम रखा एटम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमोस। एटोमोस, एटोमोस का बेसिकली मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिनको हम फर्दर बेटा तोड़ नहीं सकते हैं, उन्हीं को एटोमोस कहा गया। और वहीं से बेटा जो नाम है एटम आपका पड़ा है। इसके बाद क्या हुआ बेटा कि 1808 के अंदर जो सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल वॉज गिवन बाय जॉन डेल्टन। अब इन्होंने अपने कुछ पोस्टलेट दिए, तो एक एक करके बेटा हम वो पोस्टलेट देख लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला पोस्टलेट हमारा ये कहता है कि कोई भी जो मैटर एग्जिस्ट करता है ना वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, और उन पार्टिकल का नाम क्या है, एटम्स है, ठीक है। इन एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट बट दे डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब देखिए मेरे पास बेटा देखो यहाँ पर दो एलिमेंट है, ये इसमें मान लेते हैं ये दो एटम्स हैं, ये इनमें ये ए है मान लो बेटा, ये बी है आपका। तो ए के अंदर ये जो दो एटम्स हैं एक दूसरे से अलाइक होंगे, बी के अंदर ये दो एटम दिख रहे हैं ये एक दूसरे से अलाइक होंगे, बट ये आपस में अलाइक नहीं हो सकते, ये दूसरे से डिफर होंगे। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है बेटा आपके पास एक ऐसा एलिमेंट जिनके अंदर बेटा कि हमारे जो एटम्स हैं वो अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स। एंड अगर एटम एक एलिमेंट का कंबाइन करता है एलिमेंट और एटम ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब मेरे पास जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम, क्लोरीन दूसरा एटम आपस में मिलेगा तो उसको कहेंगे बेटा हम कंपाउंड। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से बेटा समझे इस चीज को, ठीक है। उसके बाद ये कहता है जैसे ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं बेटा कि जो एटम है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो एक्चुअली उस केमिकल रिएक्शन के अंदर यही एटम्स आपके जो मतलब जो पार्ट है वो लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है बेटा किसी दो को अगर आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उनके एटम्स ही एक दूसरे के साथ शिफ्ट होते हैं ना, तो एटम्स एक्चुअली टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो अब बेटा मजेदार बात पता क्या थी, मजेदार बात ये थी कि जितने भी लेटेस्ट रिसर्च हुई है बेटा एटम के अंदर, उन्होंने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि आउट ऑफ दिस 6 ना, ये जो पहले 5 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे पॉइंट्स ये सब गलत है।
एक्सेप्ट द लास्ट वन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बात सच है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उनमें जो एटम्स है वही टेक पार्ट करते हैं। अब देखो यहां तक तो बेटा हमें एटम के बारे में समझ में आ गया, तब तक तो यही कह रहे थे कि एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। लेकिन बेटा एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ आगे स्टडी के बाद हमें ये समझ में आ गया कि इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनमें से सबसे पहले जो शुरुआत होती है बेटा वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मेरे पास मान लो दो डिफरेंट बॉडीज हैं, इंसुलेटर्स ही है, जैसे मान लो एक मेरे पास ग्लास रोड है और एक मेरे पास सिल्क है, अगर इन दोनों को मैं आपस में रब करूंगा ना बेटा तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब क्या कि एक बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो सवाल यही पैदा हुआ ना कि एक्चुअली में ये चार्जेस आए कहां से, अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जिनकी वजह से एक में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इवन आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हर एक सब्सटेंस के अंदर जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपको मैं अब इसके बारे में बेटा थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। सो हुआ ये कि 1833 के अंदर माइकल फैराडे ने एक्चुअली इसी जितने भी बेटा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल, इसके बारे में बेटा इन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी बात यहीं पे भी खत्म नहीं होती, फिर इन 1874 जीजे स्टोनी ने फर्स्ट सजेस्ट किया था बेटा इन पार्टिकल्स का नाम, दैट इज एज अ इलेक्ट्रॉन। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा उसके बाद जो जे थॉमसन ने अपने डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से और कैथोड रेज की हेल्प से ये डिस्कवर कर दिया कि सचमुच में इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं और वो बिहेव कैसे करते हैं। उसके बाद ई गोल्डस्टीन ने अपनी डिस्कवरी के थ्रू डिस्कवर किया बेटा प्रोटॉन्स के बारे में। उसके बाद जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स के बारे में। सो फाइनली मैं यहां आके रुक जाता हूं कि आफ्टर ऑल दिस डिस्कवरीज वी केम टू नो दैट कि हमारा एटम जो है वो एक अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, मतलब ये कि उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और आप अच्छी तरह आज की डेट में जानते हो बेटा कि जो एटम्स हैं उनके अंदर बेटा सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अराउंड होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के। और हाँ न्यूट्रॉन तो भूल ही गए, न्यूट्रॉन से भी तो बना होता है आपका। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि हम अब इन सभी की जो डिस्कवरी है वो एक एक करके बेटा हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले एलिमेंट की। तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नीदर बी फॉर्म्ड फ्रॉम और डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो जी मेरे पास एक कार्बन है, तुम उस कार्बन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। फर्दर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। चाहे आप उसमें से कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो, टेम्परेचर राइज करो, कुछ मर्जी करते जाओ आप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट अगर एक जैसे एटम्स आपस में मिलकर बेटा एक प्योर सब्सटेंस बन रहे तो हम उनको एज अ एलिमेंट का नाम देते हैं। फिर बात आती है बेटा हमारे एटम की, मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में समझा चुका हूं कि एटम क्या है बेटा, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को बताता है। सो वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है बेटा कि फ्री स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते, उनको आपस में किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए। एंड आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए यही एटम्स जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए बेटा अब हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। विलियम क्रूक जिन्होंने एक्चुअली ये बताया कि अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक गैस है, जैसे मेरे पास ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब के अंदर बेटा क्या डला हुआ है, इस ट्यूब के अंदर डली है आपकी गैस। वैसे तो यार देखो नियोन का इस्तेमाल किया था जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था, लेकिन चलो अभी के लिए मैं नॉर्मली गैस वर्ड यूज करता हूं। तो इसके अंदर क्या डली जाती है बेटा, गैस यूज की जाती है। सो वैसे तो जो गैस होता है ना वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। लेकिन विलियम क्रूक का ये कहना था कि अगर इंडक्शन कॉइल की हेल्प से और दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, उनके अक्रॉस इंडक्शन कॉइल लगा दिया जाए और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि ये जो अंदर गैस है ना बेटा, इसके प्रेशर को कम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप से क्या करते हैं बेटा, अंदर का जो प्रेशर डिक्रीज करते हैं, कब कहां तक लेके जाते हैं, 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी तक इसके प्रेशर को लेके जाया जाता है। तो बेटा अब मेरी बात फिर से सुनो, वैसे जो गैस है वो तो है नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्ट नहीं करती, लेकिन अगर एक अंदर के एक ट्यूब के अंदर गैस ले ली जाए,
उसके प्रेशर को ड्रॉप कर दिया जाए कहां तक 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी तक। उसके बाद इंडक्शन कॉइल की हेल्प से जब 10,000 वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट वाला पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके थ्रू कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बारे में प्रैक्टिकली प्रॉपरली जो करके देखा था बेटा वो जे थॉमसन थे, एंड उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर वो भी आपको बता देता हूँ बेटा। ऑब्वियस है जिस अपरेटस का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब भी बेटा इसी को कहा जाता है। अच्छा अब ये है क्या क्या मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास अंदर गैस है, एक ग्लास ट्यूब है राइट, दो कैथोड और एनोड है, उनको बेटा बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और सबसे बड़ी बात अंदर के प्रेशर को लो करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब बेटा एक 10,000 वोल्ट जैसा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता तो उसके बीच में बेटा ये जो रेज है वो आपकी ट्रेवल करने लग जाती है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। बस यही है हमारे कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए भी कहते हैं बेटा क्योंकि ये आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कैथोड कहा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज को एनोड कहा जाता है, और क्योंकि ये जो रेज है वो एक्चुअली आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी इसलिए इनको कैथोड रेस कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है बेटा क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो कैथोड है वो एनोड की तरफ जा रहे थे मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे, तो जे थॉमसन का ये मानना जरूर था कि एक्चुअली में इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज प्लेट राइट। बाकी हम अभी और इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। अच्छा एक बात है ये बात हमेशा याद रखना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ 10,000 वोल्ट इज पास थ्रू द गैस एट वेरी लो प्रेशर कितना 0.01 mm तब आपका कैथोड रे जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे बेटा अब इस कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या क्या थी। देखो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि ये जो कैथोड रे है ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ट्रेवल कर रहे थे। दूसरी बात इसके कलर की बात करें तो ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस बेटा प्रोड्यूस होता था जब हम सोडा ग्लास स्क्रीन के ऊपर इसको फोल्ड कराते थे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तीसरे में हमने पता क्या किया, इस ट्यूब के ऊपर और नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रख दिया। हमने ये देखा कि जो रे सीधी जा रही थी ना अब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई इसका मतलब साफ साफ था कि ये जितने भी आपको बेटा रेज दिख रहे हैं इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसलिए बेटा जो सीधे जा रही थी वो सारी की सारी टर्न होकर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आपका चले जाता है। क्लियर। अब बाकी के पॉइंट्स भी देख लीजिए बेटा। इसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट में ये कहता है आपका, और ये बट बेटा इसको ना डिटेल में मैंने वैसे 10th में भी सिखाया हुआ मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने। एक्चुअली क्या है कि जब हमारे इस कैथोड रेस को ना किसी भी टंगस्टन के थ्रू जो कि हैवी मेटल या हार्ड मेटल होता अगर उसमें से पास करते थे ना तो जो एक्चुअली क्या थी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना बेटा उसके पीछे फ्लोरोसेंस स्क्रीन थी तो वो फ्लोरोसेंस स्क्रीन चमकने लग गई। मतलब मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि देखो ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है ठीक है, ये हमारा हो गया कैथोड। मान लेते बेटा यहां पर मैंने एक ये जो है ये मैंने मेटल की एक शीट डाल दी जो कि टंगस्टन मेटल है आपका, ये टंगस्टन मेटल है। पीछे ये हो गया हमारे पास ग्लास ट्यूब, इसमें जिंक सल्फाइड की जो है वो मतलब इसमें कोटिंग की हुई है तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन है बेसिकली। तो हमें ये होता है बेटा कि अगर ये रेज इसमें से जा रही है ना, जैसे ये रेज जा रही है यहाँ पे, तो हमें ये दिखाई दिया कि इसके पीछे ना यहाँ पर ये फ्लोरोसेंस जो स्क्रीन है ये चमकने लग गई। अब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी रे तो है नहीं है पर फिर भी वो चमक रहा है बेटा। वहां से एक्चुअली एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, वहां से एक्सरे के बारे में पता चला था क्योंकि वो दिख नहीं रहा था ना, उन्होंने उनका नाम रख दिया एक्सरे ठीक है गुड। मैंने वो कहा ना बेटा हम ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना ही बताऊंगा बेटा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ऑब्वियस है बेटा इसके थ्रू पेनिट्रेट हुए है तभी तो पीछे फ्लोरोसेंस दिखाई दे रही है, ये तो है नहीं कि वेव्स गई हैं मुड़ के ऐसे पहुंच गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना ठीक है। फिफ्थ पार्ट बेटा देखो ध्यान से समझना देगा बेटा, जिस गैस के थ्रू ये होके जाते हैं ना उसको वो आयनाइज कर देता है ना। आयनाइज का मतलब क्या है, आयनाइज का बेटा बेसिकली मतलब है कि देखिए हमारे पास कोई भी एक गैस है, सपोज कर लो मान लो मेरे पास मैं एक ए ले लेता हूँ ठीक है, उसके आउटर मोशन में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है बेटा कि जब हमारे ये जो कैथोड रे है ना जब इसके साथ स्ट्राइक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को वो बाहर भेज देता है।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देता है और ये फ्रीली बेटा मूव कर सकते हैं, तो इसके थ्रू, इस गैस के थ्रू कंडक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं बेटा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो हमारे यहाँ पे गैस है, तो जब हम किसी गैस में से बेटा इसको पास करते हैं तो वो उस गैस को आयनाइज कर देता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देता है। सेवंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को लेकर ये स्टडी किया गया है कि जब कभी भी उन कैथोड रेज के जितने पार्टिकल्स थे ना बेटा, उनके चार्ज और मास का जब रेशियो निकाला गया तो हर एक गैस के अंदर हमें सेम रेशियो मिला, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहा, जिसकी वैल्यू थी 1.76 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। मतलब यहां लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, मतलब गैस कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, कैथोड रे बन रही है ना, अब जो कैथोड रे बन रही है उनके पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो देखा तो तब जाके पता लगा ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई स्क्रीन आप यहां पर रखते हो बेटा, उसके पीछे उसकी जो है जो शैडो है वो आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर हो गया, आई होप बेटा अच्छे से ये बात आपको कलर समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम फाइनली बेटा कंक्लूजन पे भी आ जाते हैं। सो जे जे थॉमसन ने एक्चुअली क्या क्या कंक्लूड किया, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीन बातें बेटा कंक्लूड करी है। सबसे पहली बात तो देखो आप भी जानते हो कैथोड के बारे में कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड उनका क्या नाम है बेटा, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यहां तक क्लियर है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन एटम्स का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसके बिना एटम्स नहीं होंगे, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, तो ये इसका मतलब है। तीसरी बात ये बोली कि यार जो मर्जी हो जाए किसी भी सोर्स से आप इलेक्ट्रॉन को निकालो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका अपना एक डेफिनेट मास होगा, मतलब मास ये नहीं कि किसी में अलग है किसी में अलग है, हर किसी में एक जैसा होगा, इवन जो चार्ज है बेटा हर किसी में एक जैसा होता है। वैसे तो बेटा मैं आपको प्रॉपर्टीज में भी बताने वाला हूँ कि इसका चार्ज और मास क्या है। वैसे चार्ज -1.6 10 टू द पावर -19 और मास जो है बेटा 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आई होप ये तीन कंक्लूजन भी आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे बेटा लास्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की फाइनली फिर प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से ले आओ सब इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, सब एक सबका जो मास है वो एक जैसा होता है, मतलब दे हैव देयर आइडेंटिकल मास, ठीक है। दूसरा ये एक एटम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो एक एटम जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं बोलूंगा मतलब ये कह लीजिए कि कोई अगर एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये कह सकते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना किसी भी जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये तो है नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं कहूंगा, बट हाँ ये जरूर कहूंगा मैं कि अगर एक एटम एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता ही है। सो बेटा अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में कहता है बेटा द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब ये जब उसको कैलकुलेट किया गया तो हमारा आंसर आया 9.108 10 की पावर -31 kg। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए माइनस का साइन यूज किया, और बेटा ये इसकी वैल्यू है दैट इज 1.6 * 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड फिफ्थ पॉइंट बेटा याद रखें, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि उसका जो रेडियस है बेटा वो लगभग 10 की पावर -15 मीटर, मतलब ये है 1 फर्मी, ये 1 फर्मी होता है, लगभग 1 फर्मी का रेडियस होता है बेटा इसका। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बेटा जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं E01 से रिप्रेजेंट करते हैं -1, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है बेटा ये चार्ज को बताता है और ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा ये मास को बताता है, आप जानते हो इसका मास इतना छोटा होता है कि हम उसको एज अ जीरो ऊपर लिखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एटम की हिस्ट्री के बारे में, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में, एज वेल एज हमने डिस्कस किया बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।